मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर 1 अप्रैल सन 2022 से टोल टैक्स कटना शुरू हो गया। हालांकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पहले दिन अव्यवस्था हावी रही। काशी टोल प्लाजा पर फास्टैग की धीमी गति होने के कारण टोल टैक्स कटने के में काफ़ी देरी हुई, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं एक टैक्सी चालक का 62,000 रुपये का चालान कटा तो उसके होश उड़ गए। टैक्सी चालक निर्धारित गति से तेज वाहन चला रहा था। गत शुक्रवार यानी 1 अप्रैल 2022 को करीब एक साल बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स कटना शुरू हो गया। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर पहले दिन वाहन चालकों के चालान भी खूब कटे गए। निर्धारित गति से अधिक चलने पर एक दिन में 242 वाहन चालकों के चालान कटे। फास्टैग से टोल वसूली धीमी गति से होने के कारण काशी टोल प्लाजा पर काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहीं। शुक्रवार सुबह 8 बजे से नई तकनीक के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली की शुरुआत हुई। एक्सप्रेस वे पर लगाए गए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से टोल वसूला गया। इस तकनीक को फास्टैग बेस्ड मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से जोड़ा गया है। फिलहाल इसकी शुरुआत डासना से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों के लिए की गई है। यहां टोल प्लाजा शुरू नहीं किया गया। बिना रुके टोल वसूली के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर उच्च क्षमता के CC कैमरे लगाए हैं। 100 से अधिक की रफ्तार होने पर तुरंत वाहन चालकों का चालान कटेगा। ऐसे ही मेरठ के रहने वाले विनोद का 62,000 रुपये का चालान कटा। विनोद निर्धारित गति से अधिक तेजी से वाहन चला रहे थे। मेरठ के काशी टोल प्लाजा के मुख्य टोल प्लाजा पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पर वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर काफ़ी देर तक रुकना पड़ा, जिसके चलते टोल की सभी लेनों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। वाहनों को टोल प्लाजा पर रुककर फास्टैग के जरिए टोल चुकाना पड़ रहा है। इस एक्सप्रेस वे पर भोजपुर रसूलपुर सिक रोड टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने पर फास्टैग से टोल वसूला गया। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से KP त्रिपाठी।